प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नासिक दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शामिल हैं। उद्घाटन कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी श्री कालाराम मंदिर में दर्शन और पूजन करने गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया और फिर प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। शहरी परिवहन अवसंरचना और संपर्क को मजबूत करके लोगों के आवागमन की सुगमता को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL का उद्घाटन करेंगे, जिससे अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी हवा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसका निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी। वहीं ये भारत का सबसे लंबा पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला होगा, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क में भी सुधार होगा। इसमें कहा गया कि नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न फ्रीवेज ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी और ये मुंबई में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास होगा। वसूर्य क्षेत्र पेयजल परियोजना के पहले चरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,975 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित ये परियोजना महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिलों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगी, जिससे लगभग 14 लाख लोगों को लाभ होगा। मोदी कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वो सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एयरपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत रत्न का उद्घाटन करेंगे। इसमें विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों सहित इस क्षेत्र के कार्यबल के कौशल विकास के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल होगा। मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर रत्न और आभूषण व्यापार में निर्यात क्षेत्रों को बदलेगा और घरेलू निर्माण को भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को नवी मुंबई में कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। शिंदे ने यहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन स्थल तपोवन मैदान का भी निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया था कि शिंदे ने समारोह के मुख्य मंच के अलावा नीलगिरी बाग मैदान में बनाए गए हेलीपैड और प्रधानमंत्री के रोड शो के मार्ग का भी निरीक्षण किया। बता दें कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को आती है। इस साल महोत्सव की थीम विकसित भारत 2027 युवा के लिए युवा के द्वारा है।